तू कौन है जो इस प्रकार बाग को उजारत है? बाग में पंख नहीं मारत है, क्यों मेहनत की भांति टूट रहा है? यूं ही सिर पर चढ़ा जा रहा है? या बोलो भैयो, एक तो हमारे बगीचे से फल तोड़ तोड़ खावत है और पूछत है तो हमको धमकावत है। जाओ जाओ, ये ना खाओ, कान ना खाओ। अरे तेरे काम ना भयो, कुछ और भयो। हम आदमी की तरह पूछत है और तुम सिर पर चढ़त हो। तय खाक में मिलाया मैंने, मौत की गोद में लाखों को सुलाया मैंने, शर्म देवरक करोड़ों को पिलाया मैंने, और मनुष्य क्या चीज है खुदाई को खिलाया मैंने। जिस तरफ मुड़ गया मिटा कर छोड़ा, और छुलस दिया भूख दिया खाक बना कर छोड़ा। दुहाई है महाराज, दुहाई है महाराज, दुहाई है। अरे क्या शोर मचाया है? सारी अशोक वाटिका उजर गई है और हमारी दुर्गति हो गई है। अशोक वाटिका कहो को सिर फूट गयो, कहो को सिर फूट गयो, कहो को टूट गयो। किस दुष्ट की मृत्यु आई है जो यहां आकर आफत मचाई है? अशोक वाटिका तक कैसे जा पहुंचा? महाराज क्या पूछत हो, वो तो ढीठ ही बड़ो हो। जोन बखत हम इधर उधर आत रहे तो देखो कि संतरी बेचारो फटक मरो। अक्षय कुमार, बेटा अक्षय कुमार, जाओ और उस वानर को पकड़कर हमारे पास ले आओ। जी पिताजी। जय जय श्री राम। ओ वानर के बच्चे, तुम ही हो क्या हनुमान? मुझे तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। अच्छा, मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा थी। आइए अपने हाथ दिखाइए। सावधान हो, आ तू मेरे साथ चल, अन्यथा मेरा नाम अक्षय कुमार नहीं, बिना बंदी बनाए नहीं छोड़ूंगा। भागो 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 भागो। जय
जय जय श्री राम। दुहाई है महाराज, दुहाई है महाराज, दुहाई है। क्या बात है महाराज? मैं बोलता क्यों नहीं महाराज? वीर अक्षय कुमार मारा गया। क्या कहा? अक्षय कुमार मारा गया। पुत्र मेघनाथ उठो और उस वानर को पकड़कर हमारे पास ले आओ। जो आज्ञा पिताजी। जय लंका। कहां है वो मंत्री का बच्चा? वो है महाराज, वो है जिसने अक्षय कुमार का वध किया है, जिसने आपके बाप का बाप उजाड़ा है। ओ पंद्री के बच्चे, क्या तू यहां से जीवित जाने की आशा रखता है? यदि जाना चाहो तो मुझे कौन रोक सके? इतना अभिमान, पड़ा हुआ क्या भटकता है? शक्ति है तो आ गया। बहुत भगा लिया। मालूम हुआ अक्षय कुमार का वध करने वाला वह वानर मेघनाथ पकड़कर लाई या नहीं? जी हाँ, मालूम हुआ महाराज कि वह पवन का बेटा हनुमान है। हा? पवन का पुत्र? उसको शीघ्र हमारे सामने ले आओ। जी महाराज। पिताजी, अक्षय कुमार का वध करने वाला आपके सामने हाजिर है। जो चाहे इसको दंड दीजिए। बहुत खूब पुत्र मेघनाथ, बहुत खूब। दंड देने से पहले अच्छा है कि इससे इसके अपराध का कारण जान लिया जाए। लंका में उपद्रव इसलिए मचाया है। चुप रहने से प्राण नहीं बचेंगे। सच सच बताओ क्या कारण है? मैं इस समय राजबंदी हूं, किसी अरे गैरे से बात नहीं करता। जब पूछने वाला ही पूछेगा तो अवश्य बताऊंगा और पाई पाई का हिसाब दूंगा।
रस्सी जल गई मगर बल नहीं जला। अरे जले बल किसका, किस बात का गम है, वही तू है, वही मैं हूँ, वही तुम है, वही हम है। काट काट ललाट दिए है सब विराट, काट काट ललाट दिए है सब विराट, खान पान त्याग दिए, ममता तज प्राण की, सुरगन भयभीत किए, तीन लोक जीत लिए, मुझ में शक्ति है वह शिव के वरदान की। और त्रिया त्रिया के शोक में पागल बलहीन जो, और प्रशंसा सुनावे उन बालक नादान की, सोने की लंका में बैठा हूँ, चाहूं तो गति रोक दूं विश्व के भी खान की। अड़ा है शेर पिंजरे में मगर बू नहीं जाती, दिलावर की गजा के सामने वह बू नहीं जाती। मैं ही हूँ सृष्टि करता सृष्टि हरता सृष्टि का कारण, सुना होगा जगत विख्यात है बानर बलवीर, वर रावण वर रावण वर रावण। वास्तव में वह परिंदा नहीं झुकता, किंतु मैं परिंदा नहीं हूं। हनुमान यह आज तुम कैसी बातें बना रहे हो, क्या पुरानी बातचीत भूल गए? कदाचित नहीं, इन्हीं संबंधों के कारण यहां तक आया हूं। मैं आपका पूर्ण हितेशी हूं, जो जो चाहे सेवा में उपस्थित है। इसमें क्या शक है, तेरे जैसे पांच चार हितेशी और हो जाए तो मेरा बेड़ा पार हो जाए। वाटिका उजाड़ी, माली ने रोका तो उनको मारा, और मेरे अक्षय कुमार को जीवित ना छोड़ा। वारे मेरे यार, वह तुझ पर बलिहार। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, खुद ही आए थे झगड़ा फैलाने के लिए। काम किस आते हैं फल आखिर थे खाने के लिए, जुर्म ही था तो बांध लेते घर ले जाने के लिए। व्यर्थ ही इतनी सी बात पर पीछे पड़ गए, आए थे मुझे मारने और खुद ही मर गए। किंतु तुझे किसने कहा था वहां जाने के लिए? श्री राम ने, सुग्रीव ने, सीता जी की सुध लेने। सीता की खबर? हाँ जी हाँ, सीता जी की खबर। परंतु सुग्रीव का इस काम से क्या संबंध? मित्रता का, भ्राता का प्राण हरता सुग्रीव का मित्र। जी हाँ, यही तो समझाने आया हूं। सेतु बाली की शक्ति का आपको समझाने आया हूं, जिसका आपने 6 माह अध्ययन किया, उसको एक क्षण में ही शांत कर दिया। मैं चाहूं तो आपको क्षमा कर सकता हूं। तू और मुझे क्षमा न कर सकता कभी भी बाल बाका काल रावण का, रहेगा जन्म भर जगत में ऊंचा मान रावण का। हिमालय को हिलाना, हिमालय को हिलाना सहज ही है काम रावण का, और लिखा जाएगा इतिहास में अब तो नाम रावण का। ये मैं ही हूँ सृष्टि करता सृष्टि हरता सृष्टि का कारण, सुना होगा जगत विख्यात है बलवीर वर रावण। यह तेरी सारी व्यर्थ की बातें हैं। मैं तुम्हारे पास केवल 2 बातें लेकर आया हूं। कौन सी 2 बातें? एक तो कल्याण और दूसरा सर्वनाश। जो कायर और भयातुर है वह सुलह के पापड़ बेलते हैं, सच्चे दिलेर मर्द मुर्दा पसर देकर खेलते हैं।
अरे मैं वह चेहरी विश्व माला हूँ कि जिसके काटे की दवा नहीं है राजदूत तो इस कारण सभा बीच दे सकता तुझका सजा नहीं। मान खोया है अपना कसूर मेरा बता रहा है। अजब तमाशा है यह भी यारो, ये कैसा जमाना आ रहा है। ए बानर के बच्चे उठाकर रखी है पृथ्वी जिस शेष ने फन पर, उसी का हार धारण किए हुए है गले में शिव शंकर। वह जिस पर्वत पर रहते हैं उसे मैंने उठाया है और मेरा यश मृत्युंजय ने अपने मुख से गाया है। तुझे कुछ ज्ञात होना चाहिए वानर, इधर देख, तुझे कुछ ज्ञात होना चाहिए। तो किस दिन में सोता है और जो शक्तिमान होता है उसे अभी मान होता है। क्यों इतना तिल मिला रहा है? काल जिससे डरता था आज वो काल को ही, वो आज काल उसे ही खाने को आया है। काल की आलम जान नहीं कर जाए अचानक बाल भी बाका, या कुछ दंड अखंड प्रचंड नराकत गौर घमंड किसी का और क्रोध ना आए वानर, क्रोध ना आए विरोध ना हो। अपमान सहो किस स्वान गली का, रे रोक सके ना भूमंडल में वाहन रावण लंकपति का। अभी भी है तेरा वक्त पश्चाताप करने का, बेशक किया है काम तूने डूब मरने का। करो रख करूं जो कोप दृष्टि में, तो परले में धन घमंड आए, धरा पाताल और अंबर सभी एक हो जाए। धनुष टंकोर से हिल जाएगा ब्रह्मांड दहलाकर, और दिशाएं छोड़ देंगी दिग्पति पृथ्वी पर घबराकर। और मत पुखर ज्वाला इनमें अनल को ऐसी भर लूंगा, हिलाए होठ मेरे सामने तब भस्म कर दूंगा। अरे जादूगर महाराज अपनी बड़ाई करते आती नहीं लाज, चंद दिनों में होगी चर्चा, वह दिन समीप आ रहा है। लोग कहेंगे वह देखो चला जा रहा है, वर्षा जा रहा है। जान की में जान है और जान में है जान की, जब बाजी लगी जान की तो चिंता क्या है जान की। और जान की का नाम जीभा पे लाया तो जीवे जला डालूंगा, सौगंध है मुझको जान की। विश्व में आयु गवा रहा है, अचंबा है वह मुझको जो मुझको मूर्ख कहकर बुला रहा है। ऐसे जोगी कन फड़े करके यूं ही विवाद, मेरे कारागार में है लाखों आबाद, है लाखों आबाद बड़े दलते हैं ताना। और ऋषियों का है काम मेरे घोड़े नहलाना, और वरुण रे वरुण करे छिड़काव पवन दे झाड़ू पैसे, रे मसल दिए है पकड़ पकड़ कर कीड़े ऐसे। ठहरिए भाई साहब, ये राजनीति के विरुद्ध है। यदि आज दूत का वध किया गया तो भविष्य में कोई राजा शांति से एक दिन भी नहीं रह पाएगा, और लंका में कभी दूत नहीं आएगा। तुम्हारा मिथ्ये विचार है, कौन कहता है कि यह दूत है? जो अपने स्वामी का संदेश लेकर आया है उसे महाराज दूत ही कहते हैं। अच्छा, तो इसको अपशब्द कहने का क्या अधिकार है? दूत का प्रत्येक शब्द अपने स्वामी का है। अच्छा, मतलब संधि, यदि तुम संधि चाहते हो तो वानर, ए वानर, यदि तुम संधि चाहते हो तो स्वीकार मुझे इन शर्तों पर कि पहले दे भेज राम को सर खड़े को मेरे चरणों पर, फिर तोड़े से तू समुद्र का, फिर तोड़े तेरे तोड़े
ऐसे तू समुद्र का दे नजर मुझको सलामी में, फिर राम के हाथ बांध कर दे मेरी गुलामी में, फिर दांतों में तिनका दबाए हाय रे दांतों में तिनका दबाए, शरणागत हो इन प्राणों की, कर जोड़े तो ना राम लखन और भिक्षा मांगे प्राणों की। बस यही बातें या और कुछ शर्तें मामूली हैं? अरे भाई विभीषण आपका है, उसको यहाँ बैठा देंगे, जितनी हुई है मान हानि उन सबको पुनः लौटा देंगे। नानी जब जब महलों में जाओगे तब तब नजर आएगी, सुरपनखा की कटी नाक वापिस कैसे जोड़ी जाएगी? वानर के बच्चे, उसी एक नाक के बदले में सीता लंका में गमनाक है, कि जिसके कारण आ गया तपसी का अबदमनाक है, वो अवध की नाक अब मुझसे छुड़ा नहीं सकते, और जानकी जानकी तो बोले जा नहीं सकते। अपने स्वामी के शब्दों का बखान करते हैं, अपनी नहीं, इसलिए यह आवाज राम की आवाज है। तो क्या इस नहीं महाराज, कोई साधारण दंड देकर छोड़ दीजिए। तो फिर तुम ही बताओ इसको क्या दंड दिया जाए? सोच लीजिए महाराज, सोच लीजिए। सोच लिया, तुम कहो। महाराज वानर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है। हाँ यह बहुत अच्छी बात कही तुमने। सैनिकों पकड़ लो और इस वानर की पूंछ में आग लगा दो, ताकि यह लंका की तरफ दोबारा मुंह ना करे। जय श्री राम।